अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीजीएल का पी वाई क्यू है क्या इस 32 12 ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया इसके कॉर्ड है ये हम इसकी कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया और कॉर्ड की लेंथ कितनी है थर्टी सेंटीमीटर हमें गिवेन है और सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर हम हमारे यहाँ पे है जीरो क्या बोला गया कॉर्ड इज एट ऑफ लेंथ ऑफ थर्टी टू सेंटीमीटर बना लिए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बता दिया गया ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस मतलब एक्चुअली में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इसको हम नाम देना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ये ओ ए हो जाएगा ये आपका ओ ब ये आपका बी हो जाएगा और इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को अलग से मार्क कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट टी हो जाएगा तो हमने ए टी भी मार्क कर लिया तो हमें ओ एक्चुअली में फाइंड करना है कि ओ ए होगा कितना ठीक है जब भी ऐसा ये रेडियस गिरता है ना किसी के भी ऊपर तो सेंटर से गिरता है ना तो वो आधा आधा काट देता है तो अगर ये टोटल बत्तीस है तो ये वाला साइड सोलह होगा ये वाला बस साइड भी सोलह होगा और यहाँ पे कितना गिराएगा 90 डिग्री बनाएगा तो एक ये क्या हो बन जाएगा ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रहता है आपका ये ओ ए हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका ये ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व का स्क्वायर और सिक्सटीन का स्क्वायर बेस ट्वेल्व का स्कोर वन फोर्टी फोर सिक्सटीन का आपका दो सौ छप्पन तो आपका कितना बनता है फोर हंड्रेड तो ओ ए स्क्वायर फोर हंड्रेड आएगा या फिर ओ ए कितना आ जाएगा फोर हंड्रेड रूट जो कि हो जाएगा ट्वेंटी अगर मुझे करना होता तो मैं इतना ये झमेला नहीं करता मुझे पता है कि थ्री फोर फाइव क्या होता है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है अब अगर मैं उसको क्या करूँगा फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ट्वेल्व बनेगा फोर फोर सिक्सटीन फाइव फोर ट्वेंटी तो डायरेक्ट ट्वेल्व सिक्सटीन साइड्स गिवन है एक साइड कितना को ट्वेंटी तो सेट से किया आंसर आ गया